दैनिक सवेरा, अंधेरे से उजाले की ओर। अधिवक्ता परिषद पंजाब के प्रधान डीपी गोसाई की अगुवाई में पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर लुधियाना में कॉन्स्टिट्यूशन दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर रिटायर्ड जस्टिस राकेश कुमार गर्ग, चंडीगढ़ से पूर्व सांसद सत्यपाल जैन, पंजाब यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर लुधियाना के डायरेक्टर हरमीत सिंह संधू विशेष तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए चंडीगढ़ से पूर्व सांसद सत्यपाल जैन ने कहा कि भारतीय संविधान सबसे सर्वोच्च संविधान है, जो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को तैयार किया गया और 308 असेंबली के सदस्यों की तरफ से 24 जनवरी 1950 को साइन किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत देश में संविधान को लागू किया गया। इस अवसर पर आए हुए मेहमानों को विशेष तौर पर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर चरणवीर सिंह, किरण मदान, बलदेव राज, चेतन मित्तल, रणबीर कौशल सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। लुधियाना से हलचल के लिए अधिवक्ता श्रीपाल के साथ जिम्मी मल्होत्रा की रिपोर्ट। अधिवक्ता परिषद पंजाब की तरफ से संविधान दिवस का कार्यक्रम मनाया गया और भारत का संविधान एक जीवंत संस्था है, एक जीवंत संविधान है, इस विषय पर चर्चा हुई। भारत का संविधान दुनिया के सब बेहतरीन देशों के संविधानों में सबसे बेहतरीन संविधान है। ये बहुत दुख की बात है कि कुछ लोग हमारे देश में ऐसा प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये देश की मौजूदा सरकार संविधान को नहीं मान रही है, संविधान को बदलना चाहती है, सही सहिष्णुता नहीं है। हिंदुस्तान के खून में है टॉलरेंस। अधिवक्ता परिषद पंजाब वालों जिहड़ी कि पंजाब दी वकीलां दी सब तो वड्डी जथेबंदी है, कॉन्स्टिट्यूशन डे अज इत्थे मनाया गया। इस कार्यक्रम दे विच NRA कमीशन दे चेयरमैन जस्टिस RK गर्ग, लोक सभा तो साबका सांसद एडवोकेट सतपाल जैन जी, ला कॉलेज डायरैक्टर और साढ़े पंजाब के प्रधान श्री DP गोसाई जी, वकीलों ने पूरे पंजाब तो इस कार्यक्रम के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया।